मुल्तान हाई कोर्ट में डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और लैया में रिटर्निंग ऑफिसर के उम्मीदवारों पर लगाए गए एतराजात के खिलाफ दायर की गई अपीलों पर समाअत जारी है। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ अपीलों की समाअत करेंगे और फैसले सुनाएंगे। आपको अपडेट करते चलें कि मुल्तान हाई कोर्ट में डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और लैया में रिटर्निंग ऑफिसर के उम्मीदवारों पर लगाए गए एतराजात के खिलाफ दायर की गई अपीलों पर समाअत जारी है। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ अपीलों की समाअत करेंगे और फैसले सुनाएंगे। आपको अपडेट करते चलें मुल्तान से, जहां हाई कोर्ट में डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और लैया में रिटर्निंग ऑफिसर के उम्मीदवारों पर लगाए गए एतराजात के खिलाफ दायर की गई अपीलों पर समाअत जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद मकसूद से। जी मोहम्मद मकसूद, बताइएगा समाअत जारी है? जी बिल्कुल, इलेक्शन 2018 की जो गहमा गहमी है वो अरूज पर है और मुल्तान हाई कोर्ट में जो डेरा गाजी खान, लैया, मुजफ्फरगढ़ के जो उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर जो रिटर्निंग अफसरान की जान से जो एतराजात लगाए गए थे, उनकी जो अपीलों की जो अपीलें दायर की गई थी उनकी जो है समाअत जारी है और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ जो है इन अपीलों की समाअत कर रहे हैं। अब तक जो है 24 अपीलें जो है वो दायर की गई थी, लेकिन जिसमें से जो 10 उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी जो है जस्टिस हाईकोर्ट बार की जानेब से जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं, उनमें अगर हम बात करें PP 282 मोहम्मद ताहिर की, जिनका लैया, जिनका ताल्लुक जो है लैया से है, 200 PP 284 से मलक गुलाम फरीद, इनका ताल्लुक भी लैया से है, PP NA 188 और PP 284 कुलसुम खालिक, जिनका ताल्लुक भी लैया से है, 277 से सरदार अरशद खान, NA 184 से जाहिद हुसैन, NA 188 से महज सुलमान थेन, जिनका ताल्लुक भी लैया से है, NA 183 से मोहम्मद जाफिर, जिनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, NA 186 से मोहम्मद शफी, इनका ताल्लुक भी मुजफ्फरगढ़ से है, जबकि PP 283 फयाज हुसैन, इनका ताल्लुक भी लैया से है, PP 283 कासिम बिन सज्जाद, इनका ताल्लुक भी लैया से। ये वो उम्मीदवार है जिनके ऊपर जो है रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जो एतराजात लगाए गए थे, जबकि कल की जो इनकी समाअत हुई है मिर्जा वकास रऊफ जो जस्टिस हैं उन्होंने समाअत की है, इनको जो है डिसमिस कर दिए गए हैं इनकी कागजात नामजदगी, जबकि जिशान हैदर जिनका ताल्लुक डीजी खान से है और PP 290 से ये हैं, और PP 275 से समीउल्ला खान जिनका ताल्लुक जतोई से है, और PP 285 से शमूना अम्बरीन जिनका ताल्लुक तोनसा से है, इनको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और चीफ जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने इनकी समाअत की और इनको जो है इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज जो है NA 194 से सरदार मोहम्मद दरिशिक जिनका ताल्लुक राजनपुर से है, PP 275 से अब्दुल्ला खान जिनका ताल्लुक जितोई से है, PP 285 से रशीदा बेगम जिनका ताल्लुक डेजी खान से है, NA 189 अमीर मोहम्मद जुलकरनैन जिनका ताल्लुक तोनसा से है, PP 285 अमीर मोहम्मद जुलकरनैन जिनका ताल्लुक तोनसा से है, PP 271 मोहम्मद अमीर करामत जिनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, और NA 189 और PP 285 मीर बादशाह खान कैसानी जिनका ताल्लुक तोनसा से है। इनकी जो है केसों की जो अपीलें इन्होंने दायर की थी उनकी समाअत आज होगी, जबकि इनकी समाअत का जो सिलसिला है वो 27 जून तक जारी रहेगा। 28 जून को जो है नजरसानी शुदा जो फहरिस्त है वो अवेजा कर दी जाएगी। 29 तारीख को जो है उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जो है वो वापस ले सकेंगे, जबकि 30 जून को जो है उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है वो अवेजा कर दी जाएगी। जी।